इस न्यूज के प्रायोजक है फॉर्च्यून TMT, संपूर्ण सुरक्षा एवं विश्वास की न्यूज। छत्तीसगढ़ प्रदेश में चुनावी बिगुल बज चुका है। नवंबर 2023 में होने वाले विधानसभा चुनावों के लिए सिंधु यूथ मीडिया द्वारा स्पेशल चुनावी शो प्रारंभ किया गया है लीडर्स ऑफ छत्तीसगढ़, जिसमें आपको मिलेंगे आपके नेताओं के साक्षात्कार, ताकि आप देखिए और चुनिए आपका नेता कौन होगा। इसी कड़ी के तहत आज हम पेश करते हैं युवा नेता एवं रायपुर जिला सहकारी बैंक के अध्यक्ष पंकज शर्मा को। नमस्कार, मेरा नाम है यश शर्मा और आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश लीडर्स ऑफ छत्तीसगढ़। आज के हमारे एपिसोड में हमारे मेहमान हैं पंकज शर्मा, ये रायपुर जिला सहकारी बैंक के अध्यक्ष हैं और रायपुर ग्रामीण विधानसभा के एक सक्रिय नेता है। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। धन्यवाद यश जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझको यहाँ बोलने का अवसर दिया। आप युवा नेता हैं और कौन सी ऐसी योजनाएं हैं शासन के द्वारा जो युवाओं के लिए चलाई जा रही है, इसकी जानकारी देंगे। देखिए, मैं लगातार संगठन में मैंने काम किया। 22 साल की अल्पायु में यूथ कांग्रेस का ब्लॉक अध्यक्ष रहा, उसके ब्लॉक महामंत्री रहा, उसके बाद प्रदेश में महामंत्री रहा, फिर मैं यूथ कांग्रेस का अध्यक्ष रायपुर का बना, फिर जिला कांग्रेस कमेटी रायपुर का अध्यक्ष बना, प्रदेश कांग्रेस कमेटी का महामंत्री बना। तो लगातार संगठन में काम करने का अनुभव मिला। उसके साथ साथ जो आज 15 साल के बाद कांग्रेस की सरकार बनी है, युवाओं के लिए बहुत सारे कार्य माननीय मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं। अभी सबसे बड़ी बात है जो बेरोजगारी भत्ता माननीय मुख्यमंत्री जी ने 2500 रुपये बेरोजगार साथियों को दिया है, उससे बेरोजगार साथियों में बड़े हर्ष की लहर है। वैसे भी छत्तीसगढ़ में बेरोजगारी का दर पूरे हिंदुस्तान में सबसे कम है। तो उसके साथ साथ जो योजनाएं प्रदेश सरकार की बनी हैं, मैं सोचता हूँ छत्तीसगढ़ का युवा बड़ा लाभान्वित हुआ है। सरकारी नौकरियाँ पहली बार खुली हैं, उसमें हमारे युवा साथियों को बड़ा लाभ मिल रहा है। और जिस प्रकार से प्रदेश सरकार काम कर रही है, युवाओं के बीच माननीय भूपेश बघेल जी की लोकप्रियता अभूतपूर्व है। अभी हम लोगों ने कुछ दिन पहले ये देखा कि युवाओं के भेंट मुलाकात में माननीय मुख्यमंत्री जी गए, इस प्रकार से युवाओं में जोश था। निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ का युवा माननीय भूपेश बघेल जी को, कांग्रेस पार्टी को अपना हितैषी मानता है। वर्तमान में आप रायपुर जिला सहकारी बैंक के अध्यक्ष हैं, कौन कौन सी ऐसी योजनाएं हैं जो चलाई जा रही है इसके माध्यम से और कितने लोगों को लाभान्वित हो रहे हैं इससे? देखिए, क्योंकि केंद्रीय जिला सहकारी बैंक धान खरीदी में सरकार की लिंकिंग एजेंसी है, लगभग 6 लाख किसान जिला सहकारी बैंक के माध्यम से सरकार को धान बेचते हैं और समितियों 510 समितियों के माध्यम से ये धान खरीदी होती है। उसके साथ साथ ही गौठान में और कई जगह उपभोक्ता भंडार भी कोऑपरेटिव बैंक चलाता है। और सबसे बड़ी बात ये है कि किसानों को जो हम लोग बगैर ब्याज का लोन देते हैं, वो भी कोऑपरेटिव बैंक के माध्यम से होता है। मैंने ये महसूस किया कि जब अध्यक्ष में बना, लाल फीताशाही की वजह से किसान, बहुत सारे किसान ऐसे थे जिनको ऋण का लाभ कोऑपरेटिव बैंक से नहीं मिलता था। मैंने सबसे पहले आते ही जो किसान अपने भूमि को सुरक्षित रखने के लिए फेंसिंग कराना चाहते हैं, पहले उनको मात्र 30,000 रुपये प्रति एकड़ मिलता था, मैंने उसकी सीमा को बढ़ाया। मैंने महसूस किया कि किसान का अगर खेत सुरक्षित होगा तो उसको पैदावार में भी लाभ मिलेगा, तो मैंने उसकी सीमा को 50,000 किया, अधिकतम सीमा को 5 लाख किया, जो आज बहुत सारे किसान आज फेंसिंग अपने खेत में करा पा रहे हैं। उसके साथ साथ ब्याज दर में भी हमने उन्होंने कमी की। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमने ऋण मिलने की सीमा को 10 दिन सीमित कर दिया है। विद इन 10 डेज, 10 दिन के अंदर या तो किसान को ऋण मिल जाएगा, या अगर कोई टेक्निकल कारण से उसका ऋण प्रकरण निरस्त होता है तो उसको सूचित कर दिया जाएगा कि आपका ऋण प्रकरण इस वजह से रद्द किया गया, आपका ऋण प्रकरण स्वीकृत नहीं हुआ है। हमने हार्वेस्टर भी 1 दिन के अंदर फाइनेंस किया है, शायद ये बहुत बड़ी उपलब्धि होगी अपने आप में। आज किसानों को वापस जो केंद्रीय सहकारी बैंक के ऊपर विश्वास होना चाहिए था, वो विश्वास को हम जमाने में सफल हुए हैं। आप रायपुर ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र में काफ़ी सक्रिय हैं, यहाँ पिछले 5 सालों में क्या कार्य किए गए हैं? देखिए, रायपुर ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र में मेरे आदरणीय पिता सत्यनारायण शर्मा जी विधायक हैं। 1985 के बाद पहली बार कांग्रेस यहाँ जीत कर आई और मैं चूँकि इस क्षेत्र से एक एक साथी से जुड़ा हुआ हूँ,
कहें तो एक छट्टी से लेकर दुख के अवसर में भी हर एक अवसर में जाने का मौका हम लोग को मिलता है। और ये रायपुर ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र जो है नया क्षेत्र बना है, रायपुर से जो समर्पित गाँव को सम्मिलित करके क्षेत्र बना। एक और बिरगांव नगर निगम है, रायपुर के नगर निगम के 15 वार्ड हैं और 15 ग्राम पंचायत और माना नगर पालिका नगर पंचायत का क्षेत्र रायपुर ग्रामीण क्षेत्र में आता है। अब आप बिरगांव की बात करें, बिरगांव में सबसे बड़ी समस्या पेयजल की समस्या होती थी। माननीय मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से 104 करोड़ रुपए की नल जल योजना की शुरुआत हुई। आज 75% कार्य पूरा हो चुका है, 3 बड़ी पानी टंकियाँ बन चुकी हैं, 2 टंकियों का काम लगभग पूर्णता की ओर है, शेष पाइपलाइनों का काम हो रहा है, फिल्टर प्लांट का काम लगभग पूरा हो चुका है। तो नलों में कई वार्डों में नलों में दोनों वक्त पानी अब हम लोग पा रहे हैं। उसके साथ साथ स्वामी आत्मानंद स्कूल बिरगांव में खुला। आज हालात ये हैं कि बच्चों में होड़ लगी है उस स्कूल में पढ़ने के लिए, और कॉलेज का गठन हुआ, कॉलेज का निर्माण हुआ, स्वर्गीय नंद कुमार पटेल जी के नाम से कॉलेज खुला। अब वहाँ पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स भी स्टार्ट हो चुके हैं, लगभग सारे पूरे बिरगांव के प्रमुख मार्ग बने। उरकुरा मार्ग के लिए हम लोग आंदोलन करते थे, हमारी सरकार आने के बाद उरकुरा का मार्ग बना। भनपुरी में बड़ी पानी की टंकी बनी, भनपुरी में प्रतिदिन लगातार टैंकरों से पानी की आपूर्ति होती थी, लेकिन आज भनपुरी में टैंकर मुक्त क्षेत्र हो चुका है। और उसके साथ साथ अभी इसी साल वहाँ आत्मानंद स्कूल भी खुलने वाला है। मोवा दलदल सिवनी क्षेत्र की बात करें, मोवा में आत्मानंद स्कूल कर की स्थापना हुई और पूरे निर्माण कार्य वहाँ हुए। दलदल सिवनी मोवा मार्ग के लिए 25 करोड़ रुपए की स्वीकृति हुई। उसके साथ साथ हमारे BSUP कॉलोनी बड़ी संख्या में वहाँ हैं, सेक्टर 3 BSUP के लिए 5 करोड़ रुपए की स्वीकृति हुई, उसका कार्य प्रगति पर है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने सारे BSUPs के लिए 50-50 लाख रुपए की घोषणा अभी भेंट मुलाकात में की है, उसकी स्वीकृति भी आ चुकी है। उसके साथ साथ 2 हमारे यहाँ बड़ी हाउसिंग बोर्ड की कॉलोनियाँ हैं जो नगर निगम को हैंड ओवर हो गई है, उसके लिए भी एक सड्डू हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी के लिए 4 करोड़ 70 लाख रुपया और सड्डू हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी के लिए 2 करोड़ 70 लाख रुपया माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्वीकृत किए हैं। उसके साथ साथ माना कैंप लालपुर में आत्मानंद स्कूल खुला, 2 कॉलेजेस की स्थापना अभी इसी साल हम लोग को उसकी स्वीकृति मिली है। माना कैंप में इंदिरा प्रियदर्शी जी के नाम से कॉलेज खुलेगा और अमलीडी में कौशल्या माता के नाम से कॉलेज खुलेगा। लगभग आप देखें तो माना कैंप में 44 लाख रुपए की जलवर्धन योजना का भूमि पूजन माननीय मुख्यमंत्री जी कुछ समय पहले किया है, तो पूरे क्षेत्र में एक विकास का वातावरण बना है। बोरिया खुर्द कांदुल दतरेंगा मार्ग की कई बार घोषणा राजेश मूणत जी ने की, लेकिन अभी बजट में उसकी स्वीकृति हुई, उसका टेंडर भी लग चुका है। ऐसे ही अमलीडी देवपुरी एक प्रमुख मार्ग हुआ करता था जो पूर्ववर्ती सरकार में कभी स्वीकृत नहीं हुआ, उस रोड का निर्माण लगभग पूरा हो चुका है। तो चौतरफा विकास रायपुर ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र का इन 5 सालों में हुआ है, और हम देखते हैं कि पूरे प्रदेश में सर्वाधिक विकास माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के आशीर्वाद से, आदरणीय सत्यनारायण शर्मा जी के प्रयास से रायपुर ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र में हुआ है। क्या 2023 में होने वाला विधानसभा चुनाव आप लड़ेंगे? अगर पार्टी कांग्रेस पार्टी को मुझ पर विश्वास व्यक्त करेगी, अगर अवसर देगी, तो निश्चित रूप से, क्योंकि इस क्षेत्र के जन जन से जुड़ाव मेरा रहा है। काठाडी से लेकर रावभाटा तक, मुजगहाँ से लेकर सोनडोंगरी तक, हदबन तक, प्रत्येक गांव में हर परिवार में मेरा इन 15 सालों में संपर्क है। इस क्षेत्र के विकास कार्यों के बारे में मैंने भरसक प्रयास किया है, तो अगर कांग्रेस पार्टी मुझको अवसर देगी, बड़े नेताओं का शीर्ष नेताओं का आशीर्वाद मिलेगा, तो निश्चित रूप से मैं क्षेत्र से लड़ना चाहूँगा। आप अभी हाल ही में जो बीरगांव में नगर निगम चुनाव हुए थे उसमें आप काफ़ी एक्टिव थे, तो उसमें जो जीत मिली उसके पीछे आपका भी एक श्रेय था, क्या अनुभव रहा आपका, उसके बारे में आप जानकारी देंगे? देखिए, इस प्रदेश में जब से माननीय भूपेश बघेल जी की सरकार बनी है, माननीय भूपेश बघेल जी मुख्यमंत्री बने हैं, कांग्रेस सरकार आई है, हम लोगों ने लगातार सारे नगर निगम के चुनाव जीते हैं। और पिछले साल नवंबर 2022 में जब बिरगांव नगर निगम चुनाव हुए तो केवल 3 नगर निगम के चुनाव पृथक रूप से हुए। उस चुनाव में बहुत ही कांटे की टक्कर थी, संघर्ष था। माननीय मुख्यमंत्री जी की जो योजनाएं थी उसको लेकर हम लोगों के बीच गए। 104 करोड़ रुपए की नल जल योजना की सौगात माननीय मुख्यमंत्री जी ने बिरगांव में दी, लोगों ने उसको स्वीकार किया।
क्योंकि मैं बताना चाहता हूँ कि बिरगांव एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ आज़ादी के बाद अभी तक नलों में पीने का पानी नहीं आता था। तो ये जो 104 करोड़ रुपए की जलवर्धन योजना की शुरुआत माननीय मुख्यमंत्री जी ने की, आज उस योजना में लगभग 3 बड़ी पानी की टंकियां बन चुकी हैं। कुछ वार्डों में जल आपूर्ति दोनों वक्त शुरू की जा चुकी है। जैसे कि आपको बताना चाहता हूँ, रावाभाटा एक क्षेत्र है जहाँ लोग अपने नल के कनेक्शन कटवा दिया करते थे क्योंकि नलों में पानी नहीं आता था। तो उस योजना को हम लोगों के बीच लेकर गए। उसके साथ जो विकास कार्य बिरगांव में हुए हैं, जैसे कि आत्मानंद स्कूल खुला है, उसके बाद कॉलेज का निर्माण हुआ, स्वर्गीय नंद कुमार पटेल स्मृति कॉलेज खुला, और उसके साथ साथ सारे शमशान घाट के उन्नयन के कार्य हुए, कुछ पुष्प वाटिका रावाभाटा उरकुरा की शुरुआत हुई। तो ये सारी निर्माण कार्यों की योजनाओं को लेकर हम लोगों के बीच गए। उसके साथ ही जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने बिजली बिल माफ़ करने की योजना की थी, वो लोगों के बीच आकर्षण का केंद्र था। और मैं इस जीत का श्रेय आदरणीय भूपेश बघेल जी को और आदरणीय सत्यनारायण शर्मा जी, उस क्षेत्र के जो विधायक हैं, उनको देना चाहूँगा कि उनके प्रयासों से बिरगांव नगर निगम में कांग्रेस की जीत हुई और कांग्रेस का महापौर वहाँ बिरगांव में बैठा है। सिंधु यूथ चैनल का 11 साल पूरा हो चुका है। मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। और आप जैसे नौजवान साथी जब चैनल लेके आते हैं तो निश्चित रूप से रायपुर का आईना हम सबको दिखने मिलता है। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये थे पंकज शर्मा। इस तरह के और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि ये एपिसोड आपको कैसा लगा। धन्यवाद। जीके होंडा, एक ही छत के नीचे होंडा की सारी रेंज की गाड़ियां उपलब्ध। पुरानी गाड़ी एक्सचेंज कर आज ही ले जाएं अपनी मनपसंद गाड़ी। आपकी खुशियों का पता जीके होंडा, तेलीबांधा रोड, मिनोचा पेट्रोल पंप के पास, रायपुर। छत्तीसगढ़ की हर खबर सबसे पहले आपके फोन पर। सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं। 9 सालों से आपकी पसंदीदा मीडिया अब YouTube पर भी। सिंधु यूथ छत्तीसगढ़ का अपना न्यूज़।